देख सकते हो देहरादून और भाने वाला का मौसम हो रखा है गाइस। देहरादून का भाने वाला देहरादून में ही आता है गाइस। मैं अभी अपनी मौसी के घर आ रहा था किसी काम से, पहले मैं आप पहले चप्पल पहन के आते हैं। चप्पल तो कहीं नहीं। और गाइस ये है मौसी ओरो के खेत, मैं आपको पाल लेकर दिखाता हूँ। और ये पूरा खेत इनका, और ये मकान का बैक साइड। तो गाइस यहाँ शादी होने वाली है, जिससे कि यहाँ पेंटिंग हो रखी है, उसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा शादी की। अभी खेत में चलते हैं। तो गाइस मैं तो हाफ निकल में आ रहा था, चले भी खेत में नहीं, खेत में हम बाद में जाएंगे गाइस। पहले हाथ मुँह धोते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद चलते गाइस खेत में। और गाइस यहाँ मुझे सबसे बेस्ट मुझे भाने वाला ही लगता है, क्योंकि यहाँ पूरा खुला एरिया है, और यहाँ लोगों के छाते छाते घर है। छाते छाते की मीनिंग है दूर दूर, एक घर यहाँ पे, थोड़ा घर पास, थोड़ा दूर है, मतलब चिपके हुए नहीं है ना। अभी यहाँ चिपके हुए नहीं, लेकिन बाद में तो सब मकान बन जाएंगे। अभी यहाँ खेती होती है गेहूँ की। तो देहरादून के रानी पोखरी के आगे आगे ही पड़ता है ये भाने वाला। और यहाँ बहुत सारे खेत है, जहाँ ना सबके खेत है, उनको हम घरवाली में उनको हम दोखड़े बोलते हैं, दोखड़ा, ठीक है गाइस। और यहाँ सबकी भैंसे भी है, किसी की है कि किसी की नहीं है। तो अभी अभी बोलते धान, तो अभी हम धान वो काट रहे हैं। तो गाइस अभी वो धान काट रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे बाद में, पहले हम नहाने चलते हैं, उसके बाद फिर मिलाता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पूरे खेती खेत है। तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई फुल पावर नहा धो के एकदम तैयार हो चुका है। तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई नहा धो के एकदम फुल पावर तैयार हो चुका है। तो अभी चलते हैं खेत, तो दिखाते हैं आपको, ठीक है गाइस। तो गाइस ये है बैक साइड, चप्पल पहनते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, रुक भाई अभी दिखाता हूँ उसको। ये पागल हो गया। ये मेरी मौसी की भैंस है, और ये थोल दी है, हेलो। और ये बड़ी ये गाइस भैंसी है, भैंस, हेलो। और ये सबसे बड़ा गाइस, आप इसको देख सकते हैं, फुल मारने के लिए आ रहा हूँ मुझे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो गाइस सुबह से मेरी मम्मी और मौसी जा रहे थे खेत में। मौसी मेरी मम्मी की बड़ी बहन, वो सभी ने गए। तो गाइस चलते अब खेत में, आपको भी दिखाते हैं। खेत में चला गया है ना, ठीक है। ये करते गए तो अपन अब बाहर चलते हैं गाइस। पहले ये दीवार नहीं थी, ये यहाँ तक थी और यहाँ पे ऐसे था, लेकिन इसको तोड़ के दीवार यहाँ पे आ गई।
आई मीन बाउंड्री। तो भाई चलते अब, कुछ कुछ ये बिकाव है लेकिन ये सब इन्हीं का है गाइस। और ये दुकान है पूरा लगभग एक दो बीघा में होगा शायद। हाँ, और वहाँ भी धान है गेहूँ, और सामने और ये खेत कटाई गाइस। अभी ये उग गए हैं ना, तो ना अभी ना कटाई हो रही है, उसके बाद वो गेहूँ होंगे, गेहूँ से आटा होगा। जब चक्की गेहूँ को पीसेगी तब क्या बनता है, आटा ना, तो आटा ही होगा ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोंडा। अरे कहना क्या चाहते हो? और कमेंट करके बताना कि मेरे ये व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, उस हिसाब से आपको मुझे क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे अपने व्लॉग के उसमें। जैसे आप बोलते हैं कैमरा बहुत हिलता है, लेकिन अब नहीं हिलेगा, तो आप बोलो, मैं आपको तब आंसर दूंगा। ठीक है गाइस, कमेंट करना प्लीज़, फालतू कमेंट मत करना, क्योंकि मैं बिजी आदमी हूँ, मेरा लाखों का बिजनेस चलता है यहाँ। ठीक है, देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मार उसने कुछ भी। बढ़िया, कैसे का नया घाट बन रहा, और यहाँ पे इन्होंने काट लिए हैं। अल्लाह, मैं आपको पास दिखाता हूँ। ये जो गाइस इनके अंदर ना गेहूँ है, तो ना एक मशीन आती है जिससे कि ना धान के वो होते हैं। मेरे पूरा खेत है, इट इज माई मॉम। वो कौन सा गेहूँ काट रहा है? हाँ जी, ये मेरी मौसी। हाँ जी, है बस ऐसे ही घड़ेगा। हाँ, और ये मेरी मौसी है, ये मेरी मम्मी है, और वैसे और गाइस बिल्ली है। म्याओ, आजा गाइस, डर के मारे भाग गई। ठीक है, लेके आता। इनका गट्ठल बन चुका है, अभी ये वो भी है, ये पोड़ा है गाइस, और ये बिल्ली। तो गाइस चलते घर, तो निकले पानी लेके आते हैं मम्मी मौसी के लिए, और यहाँ पे मेरी ओ भाई, ये भी इन्हीं का है। तो गाइस ये भूसा है गायों का। तो हम आ चुके हैं फिर से घर, और ये घास काटने की मशीन, ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, इसे हाथों से चलाना पड़ता है। और ये गोघर, मतलब गायों का घर है बस, और कुछ नहीं। रुको बस। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मैंने थोड़े मुश्किल बात कह दी, कोई नहीं, होता रहता है यार। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए व्लॉग में ऐसी नए रोमांचक तरीके के साथ। तो तब तक ले जय हिंद, जय श्री राम, और बाय।